नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। भारत लाइव लगातार आपको बिहार की राजनीति से जोड़ रहा है। ऐसे में अब राजनीति से हटकर एक नया विवाद बिहार में आ गया है। गौरतलब है कि आज से 8 महीना पहले बिहार में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी हुई थी। जिनसे उनकी शादी हुई थी वो भी एक चर्चित नाम था, क्योंकि दरोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री थे बिहार के और उनकी पोती से तेज प्रताप की शादी हुई थी। इस शादी के 6 महीने बाद तलाक की अर्जी देते हैं तेज प्रताप, जिसके बाद सुनवाई होती है और बहुत सारे अटकलें लगाई जाती है। इस मुद्दे पर हमने कई पब्लिक रिएक्शन किया था, बहुत बार लाइव किया था। लाइव के माध्यम से बिहार की जनता ने जिस तरीके से तेज प्रताप और ऐश्वर्या को भाई और भाभी नाम देकर संबोधित किया था और कह रहे थे कि ये तलाक किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए, ऐसे में एक बार फिर तेज प्रताप का तलाक जो उन्होंने अर्जी दी थी वो सुर्खियों में है, क्योंकि आज पटना में फैमिली कोर्ट पर उनके तलाक की सुनवाई होने वाली है। ये सुनवाई 12:30 बजे होगी। वहीं सूत्रों की माने तो तेज प्रताप के वकील इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं, वहीं ऐश्वर्या के वकील जो हैं अभी तक नहीं पहुंचे हैं कोर्ट में। वहीं बड़े तादाद पे भीड़ मौजूद है कोर्ट के बाहर, जितने भी तेज प्रताप के समर्थक हैं वो वहां मौजूद है, चंद्रिका राय भी मौजूद हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से तेज प्रताप अडिग हैं इस तलाक को लेकर, वहीं कहीं ना कहीं लालू फैमिली के लिए ये दुख का घड़ी है, क्योंकि ऐश्वर्या राय के लिए आज भी राबड़ी देवी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती हैं। वहीं जिस तरीके से तेज प्रताप अब राजनीति में भी एक्टिव हो रहे हैं तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता दरबार में उनके कब पहुंचेंगे ऐश्वर्या राय और इस तलाक की अर्जी पर आज क्या फैसला आता है। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से, हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जोड़े रखेंगे बिहार के साथ भारत की राजनीति से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।